आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इम्पोर्टेंट होता है, हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वॉज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज यू नो इतना पैसा है, और वैल्यूएशन वॉज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की NAV ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया नेक्स्ट डे 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ का शेयर बेचो और हवालन करो। You understand? Because if the market goes up, even my portfolio will go up. So if, what I do is that I sell shares worth say 10 rupees. If the market goes up, the 10 becomes 12. My portfolio also becomes 12. So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. Or jab ghatna chalu hua to humne to bola bhai we really and because 100 rupees mein liya tha mere dost ne HSC. 100 रुपए में उसके अंडर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो ACC 10,100 रुपए में बेचा। वो 100 रुपए वाला ACC ऐसा क्या ACC सोना बनाती थी? वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का P/E है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, के बात करें आप समझे ना। So I, because see, we have to see the market with reality. We don't have to join every party. कि कोई लोग कैसे believe करते हैं? आपको भी आके बोलता है अर्शद भाई ले चाहे तुम्हें भी ले 3200 में बोलता है वो, आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो, बहुत 4400 आप दो दोस्त को बोलते हो ए सोचे ले ले ACC, अर्शद भाई बोले 5000। But you have to see what the reality is, no? Market ultimately go on reality. हिमाचल ग्लोबल अभी गोल्डमैन सैक जैसे 3,000-4,000 में बाई रिपोर्ट निकलते। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हीट एंड द शेफ।